जियो 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 अब जियो का गीगा टीवी दूर नहीं है। ऑफिशियली चीजें अनाउंस हो चुकी हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। जियो का गीगा टीवी कैसे काम करेगा, जियो के गीगा टीवी में मिलेंगे आपको 600 से ज्यादा HD चैनल, 4K स्ट्रीम करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, वॉइस रिमोट आपको मिलेगा जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं चलेगा, यानी कि वॉइस रिमोट में आप बहुत सारी लैंग्वेजेस, क्योंकि भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, तो अनेकों भाषाएं, भारत हमारा एक, तो ये सारी अनेकों भाषाएं जो है वॉइस रिमोट से आप यूज़ कर पाएंगे अपने जियो टीवी पे, यानी कि जियो का जो सेटअप बॉक्स होगा इस तरह का एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स होगा जहाँ पर आपको वॉइस रिमोट मिलेगा। आप वॉइस से सर्च कर सकेंगे इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें, ऑनलाइन कंटेंट, प्लस आप वीडियो कॉलिंग भी कर पाएंगे। यहाँ पे जियो की तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं अनाउंस हो चुकी हैं, तो अब आपके पास होगा एक स्मार्ट टीवी बॉक्स जियो की तरफ से, जिसका नाम होगा जियो गीगा टीवी, और ये चलेगा जियो के गीगा फाइबर के साथ में। इसका इंस्टॉलेशन जियो के ऑफिशियल इंजीनियर्स ही करेंगे आपके यहाँ पे। अगस्त में जो अभी तक खबर आई है ये लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें हम आपको और बता देते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं BR टेक फिल्म्स। अमेजिंग टेक वीडियोस पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले जियो का गीगा फाइबर आएगा। जियो के गीगा फाइबर की अभी टेस्टिंग चल रही है, और टेस्टिंग में जो है आपको फिलहाल में जियो कोई भी चार्ज नहीं कर रहा है। 100 GB पर मंथ आपको मिल रहा है, जहां पे 100 MBPS की स्पीड है। यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 4500 रुपये का देना पड़ रहा है जियो गीगा फाइबर के लिए, और यहाँ पे इसके बाद में 100 GB पर मंथ आपको मिल रहा है। अब जिनका 100 GB खत्म हो रहा है वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा 40 GB दे रहा है जियो कॉम्प्लीमेंट्री, यानी फिलहाल में तो कोई भी पैसा नहीं ले रहा है। जिस तरह से वेलकम ऑफर आया था जब जियो की सिम आई थी, तो उसी तरह से अभी ये जो है गीगा फाइबर का हिसाब किताब चल रहा है। मुंबई में जहाँ तक अभी रिपोर्ट्स आई हैं, गीगा टीवी की टेस्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है मुंबई में, और यहाँ पे आप कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आप दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर पाएंगे अपने आप जियो गीगा टीवी से। जियो गीगा टीवी जो होगा वो आपके इंस्टॉलेशन जो भी होगी वो एक तरीके का एंड्रॉयड टीवी बॉक्स होगा, जिसमें टीवी के अलावा बहुत सारी ऐप्स, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, उसके अलावा वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, तो बहुत सारी वीडियो कॉलिंग ऐप्स जैसे कि स्काइप वगैरह आप यूज़ कर पाएंगे। हो सकता है जियो की भी खुद की बहुत सारी ऐप्स उसमें इनबिल्ट हों, तो ये सारी चीज़ें कर पाएंगे आप जियो के गीगा टीवी में जियो गीगा फाइबर के थ्रू। अब यहाँ पे एक नई चीज़ भी आई है जो है यहाँ पे, जो भी पहले राउटर मिल रहा था वो है 4500 के सिक्योरिटी डिपॉजिट पे, लेकिन अभी सुनने में आया है कि 2500 रुपये के सिक्योरिटी डिपॉजिट पे भी एक कनेक्शन आपको मिलेगा, लेकिन 2500 वाले बॉक्स में आपको मिलेगी 50 MBPS की स्पीड, और 4500 वाले राउटर में जिसके लिए आप 4500 रुपये की सिक्योरिटी देते हैं वहाँ पे मिलेगी आपको 100 MBPS की स्पीड। दोनों में ही आपको 100 GB पर मंथ का डेटा मिलेगा, उसके बाद में आपको टॉपअप्स के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी टॉपअप्स के प्लान्स क्या होंगे फिलहाल में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये प्रीपेड होगा। अब यहाँ पे 15 अगस्त को भी ये लॉन्च हो सकता है। अभी रिसेंटली जियो ने अपना जो है जियो फोन लॉन्च किया था, और यहाँ पे जियो की तरफ से जो रिपोर्ट आई है वहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि जियो फोन के इस समय 25 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में, तो जियो का जो है कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा बनता जा रहा है। इसी को देखते हुए अब जियो का जो गीगा फाइबर है उसका काम तो बहुत समय से चल रहा है इंडिया में, लेकिन अब ऑफिशियली बहुत सारे शहरों में ये 15 अगस्त को आ सकता है। अभी ये चीजें कंफर्म नहीं है, लेकिन 15 अगस्त को इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट हो सकती है जियो के थ्रू। लेकिन इस साल जियो गीगा फाइबर बहुत सारी मेट्रो सिटीज में और जियो गीगा टीवी जो है घरों में आ जाएगा, और माई जियो ऐप पे ही आपको जो है इसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इसके इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये है छोटी सी खबर, लेकिन कई लोगों के लिए काफ़ी काम की है, क्योंकि जियो 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 जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचा हुआ था, तो जियो का आएगा एक इंटरनेट से चलने वाला जियो गीगा टीवी जो काम करेगा जियो गीगा फाइबर के थ्रू, जो कि एक हाई स्पीड इंटरनेट होगा। तो 15 अगस्त तक देखते हैं, वेट करते हैं क्या रिपोर्ट्स निकल के आती हैं, हम आपको ज़रूर इसके ऊपर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। और जैसे ही जियो गीगा टीवी लॉन्च होगा तो उसका अनबॉक्सिंग वीडियो और इंस्टॉलेशन भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टेक के साथ, कुछ अमेजिंग गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।